हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स ऑफ विस्की एंड वॉर ऑफ बॉटल्स में आज हम जिन दो बॉटल्स को आपस में चेक करेंगे वो बिलोंग करती है फ्रॉम द सेम फैमिली, फ्रॉम द हाउस ऑफ सीग्रम्स। तो एक तरफ तो है बॉटल रॉयल स्टैग डिलक्स विस्की और दूसरी तरफ जो बॉटल है वो है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट विस्की। अब हालांकि प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉमिनल डिफरेंस ही है दोनों में, फिर कंपनी ने क्यों लॉन्च करी बैरल सेलेक्ट वेरिएंट, क्या कारण था उसके पीछे, क्या टेस्ट वाइज दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या कंपनी रॉयल स्टैग की अपार सफलता के बाद ये चाह रही थी कि यार बैरल सेलेक्ट भी वही सफलता, वही अचीवमेंट्स अचीव करे जो रॉयल स्टैग ने अचीव किया था। तो चलिए चेक करते हैं दोनों विस्कीज़ को, पता लगाते हैं उस सवाल के जवाब का कि इज़ इट वर्थी टू बाय बैरल सेलेक्ट विस्की। चलिए अब ग्लास के अंदर दोनों विस्कीज को पोर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि दोनों विस्की के टेस्ट नोट्स और नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं जो रॉयल स्टैग विस्की है, जो रेगुलर वाली विस्की है, उसको ग्लास के अंदर पोर करना चाहूँगा। उसके बाद बैरल सेलेक्ट विस्की को ग्लास में पोर करते हैं। आज हम थोड़े अलग अंदाज के अंदर चेक करेंगे दोनों विस्कीज के टेस्ट नोट्स और नोजिंग। हमेशा मैं करता क्या था कि सबसे पहले मैं नोजिंग और टेस्ट नोट्स एक विस्की के चेक करता था, उसके बाद स्विच करता था दूसरी विस्की पे। लेकिन आज पहले हम नोजिंग इसकी लेंगे, नोट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसके बाद नोजिंग नोट्स मैं चेक करूंगा दूसरी विस्की के। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रॉयल स्टैग विस्की के साथ। लीफी स्प्रिट्स के स्ट्रॉन्ग नोट्स और जो स्मोकी है, लेस स्मोकी नोट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम रॉयल स्टैग रेगुलर विस्की। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट विस्की के नोजिंग नोट्स, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पानी पीना चाहूंगा और जो फ्रेश एयर है उसे भी इनहेल करना चाहूंगा, जिससे कि जो नोजिंग नोट्स मैंने जस्ट लिए थे रेगुलर विस्की के वो वैनिश हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वुडी एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द टच ऑफ स्मोक, और टेस्ट वाइज ये विस्की क्या बोलेगी वो चेक करेंगे हम टेस्टिंग के टाइम पे। आते हैं वापस हम रॉयल स्टैग रेगुलर विस्की के ऊपर और चेक करते हैं इसके टेस्ट नोट्स। स्ट्रॉन्ग टेक्सचर वाइज हार्ड है और स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट विस्की को। पानी पीना तो बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता ही है। स्वीट, मीडियम स्मूथ, स्मोकी और ओकीनेस का जो टेस्ट है उसको मेरे को फील कराया है इस विस्की ने। बहुत ही फास्ट रिव्यू कराया आज हमने दोनों विस्कीज का, और दोनों विस्की का रिव्यू करने के बाद बात आती है प्राइस के ऊपर। तो रॉयल स्टैग जो रेगुलर विस्की है उसकी प्राइस है 720 रुपीज और जो बैरल सेलेक्ट विस्की है उसकी प्राइस है 855 रुपीज। तो दोनों विस्कीज के अंदर जो डिफरेंस है वो है 135 रुपीज का, जो कि बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं क्या 135 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या फिर हम स्टिक रहेंगे रेगुलर डिलक्स विस्की के ऊपर ही। तो फ्रेंड्स, जो मेजर डिफरेंस है दोनों विस्कीज को कंपेयर करने के बाद जो मुझे लगा वो ये है कि इस विस्की में हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा वुडी फ्लेवर प्लस जो स्वीटनेस है उसका टेस्ट।
तो अगर आपको मिल रहा है सिर्फ 135 रुपीस एक्स्ट्रा देने पर ये सारी चीज़ें और जो आपका टेस्ट है वो अपग्रेड हो रहा है, तो मैं टोटली जस्टिफाई करता हूँ इस विस्की के प्राइस को और इस विस्की के टेस्ट को। और हम लोगों को स्वैप भी कर लेनी चाहिए विस्की अगर इतने से प्राइस के अंदर हमें एक बेटर टेस्ट मिल रहा है। बट अगर डेटा एंड सेल्स को देखें तो जो रॉयल स्टैग विस्की है एज कम्पेयर टू बैरल सेलेक्ट, इसके सेल्स फिगर बहुत हाई हैं और इसके सेल्स फिगर बहुत कम है। बट अभी भी इंडिया में आरएस विस्की को फेवरेट क्यों माना जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज एक ऑप्शन और है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट विस्की का, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये भी ट्राई करना चाहिए। मे बी मेरा रिव्यू देखने के बाद कुछ लोग इसको ट्राई करेंगे और जो बैरल सेलेक्ट विस्की है उसको ही अपना ब्रांड फिक्स कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी परचेज करने जाएंगे तो इसकी जगह वो परचेज करेंगे ये वाली विस्की। तो आज का सफर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय और नए विस्कीज के रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जो है उसे जरूर प्रेस कर देना। गुड बाय एंड जय भवानी।